अलवर केंद्रीय कारागार स्थित डिटेक्शन सेंटर से चार बांग्लादेशियों के भागने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए नाकाबंदी यहां करवाई गई। और इस दौरान एडिशनल एसपी बैरवा ने यह बताया कि डिटेक्शन सेंटर की दीवार कूदकर चार बांग्लादेशी भागे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अलवर जेल परिसर में एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। विदेशी नागरिक जो सजा काटने के बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है, विदेश भेजा जाता है, तो पूरे राजस्थान में जितने भी इस तरह के नागरिक हैं उनको सबको अलवर में डिपोर्ट करने के लिए, मतलब विदेश में भेजने के लिए यहाँ पर एक सेंटर बना रखा था। उनमें से चार बांग्लादेशी नागरिक आज दीवार में फांद के और भागने में कामयाब हो गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या यहाँ पर ये पूरा माजरा रहा? कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की लचरता यहाँ पर देखी गई कि इस प्रकार से कैसे भागने में वो कामयाब हो पाए? ये बताना चाहूंगा कि सेंट्रल जेल जिसमें चार बांग्लादेशी नागरिक थे जो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर थे और तो ये जेल की जो दीवार होती है उसको तोड़कर भागे हैं। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कराई हुए पूरे जिले में और फिलहाल उनका भी कोई सुराग नहीं मिला है। मनीषा जी, इन चारों को लेकर किसी प्रकार की कोई संशय की स्थिति पहले बनी हुई थी या फिर नहीं? देखिए, बताना चाहूंगा कि डिटेक्शन सेंटर में थे, ये कोई कैदी के रूप में नहीं थे। ये विदेश जाना चाहते थे, बांग्लादेशी थे, क्योंकि इनका वीजा वगैरह सब रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था और जो दूतावास है उसके दौरान प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटली फाइनल नहीं हुए थे, इसलिए इनको यहाँ पर केवल सुरक्षा के दृष्टि से रखा हुआ था जी। इसलिए ज्यादा फोर्स वगैरह इनके साथ नहीं लगाई गई थी, आगे मौका देकर फरार हुए हैं। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सेंटर की दीवार फांद कर ये चारों बांग्लादेशी युवक यहाँ पर हैं, वो फरार हो गए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।